नार्को टेस्ट से सुलझेगी श्रद्धा मर्डर केस की पेंच। आरुषि हत्याकांड हो या कुरला रेप, नार्को टेस्ट में आरोपियों ने क्या राज खोले। पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट से नार्को टेस्ट की मांग की थी, अनुमति भी मिल चुकी थी, मगर क्या नार्को टेस्ट से जुर्म साबित हो पाता है। नार्को टेस्ट को टूथ सीरम के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग पहले कई केसेस को सॉल्व करने के लिए भी किया गया है। इस टेस्ट में एक दवा को शरीर की शिराओं में दिया जाता है। एनेस्थीसिया के जरिए इसे लेने वाले व्यक्ति के अलग अलग चरणों में प्रवेश करने का ये कारण बनता है और उसकी कॉन्शियसनेस ऑल्टर होती है। आरुषि मर्डर केस से लेकर बिजनेस, अरुण कुमार टिकू मर्डर केस, कुर्ला सीरियल रेप और मर्डर, हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट केस और कई केसेस में इसका इस्तेमाल किया गया है, मगर कानूनी रूप से ये कितना सही और क्या क्या राज खोलने में ये सक्षम रहा। आरुषि मर्डर केस। 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में 14 साल की लड़की आरुषि की रहस्यमय मौत हो गई। हत्या के बाद घटना को अंजाम देने वालों ने सभी सबूत मिटा दिए। पुलिस के हाथ अब भी कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन इसी वजह से आरुषि के पिता राजेश तलवार और उनके नौकरों को बरी कर दिया गया। फिर जनवरी 2010 में पुलिस को कोर्ट से नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई। नार्को टेस्ट के बाद इस केस का एंगल ही बदल गया। पुलिस ने इसके आधार पर तीन बातें कोर्ट में पेश की। पहला, आरुषि और नौकर हेमराज दोनों की हत्या राजेश तलवार और उनकी पत्नी ने की है। दूसरा, दंपति ने अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए नौकर की हत्या की। तीसरा, हथियार बरामद करने में भी पुलिस सफल रही। कुरला सीरियल रेप और मर्डर। 19 जून 2010 को कुरला की सुनसान इमारत में 9 साल की एक बच्ची का शव मिलता है। जांच में पता चला कि मर्डर से पहले इस नाबालिग लड़की का रेप हुआ है। पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। इस मामले में 70 से ज्यादा लोगों के डीएनए सैंपल लेकर जांच किए गए थे। फिर डीएनए टेस्ट के आधार पर अजमेरी शेख को हिरासत में लिया गया, लेकिन 90 दिन तक पुलिस सबूत जुटाने में असफल रही तो कोर्ट से उसे बेल मिल गई थी। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस कुरला सीरियल रेप और मर्डर मामले में सबूत जुटा सकी। इसके बाद फिर से अजमेरी शेख को गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट केस। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद के गोकुल घाट में एक जबरदस्त धमाका होता है। इसके ठीक कुछ ही देर बाद यही लुम्बिनी पार्क में एक और धमाका होता है। 42 लोगों की मौत होती है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामले में करीब एक दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल कलीम और इमरान खान को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाजत ली और पुलिस असली मुजरिम तक पहुंच गई। 3 आरोपियों को सजा मिली, जबकि 2 को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। नार्को टेस्ट के लिए सबसे पहले कोर्ट से इजाजत लेनी होती है। इसके बाद आरोपी से सहमति मिलने के बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ आरोपी का ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड फ्लो और उनकी मानसिक स्थिति की जांच होती है। इसके लिए ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके बाद उसे दवा देकर सबकॉन्शियस किया जाता है। इसके बाद सवाल जवाब शुरू होता है। इस समय वहां आरोपी के जवाब का विश्लेषण किया जाता है। उसके लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक, ऑडियो वीडियोग्राफर और सहायक नर्सिंग स्टाफ के अलावा सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौजूद होते हैं। कोर्ट में नार्को टेस्ट की लीगल वैलिडिटी क्यों नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक दवा के इस्तेमाल के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई शख्स सिर्फ सही बात ही बोले। एनेस्थीसिया की स्थिति में कोई शख्स अपनी इच्छा से स्टेटमेंट नहीं देता है और इस समय वो होश हवास में नहीं होता है। इसलिए कोर्ट में कानूनी तौर पर साक्ष्य के लिए नार्को टेस्ट रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि नार्को टेस्ट रिपोर्ट की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए जाने की अनुमति होती है। फिलहाल श्रद्धा का मर्डर क्यों किया, श्रद्धा का मर्डर कैसे किया, मर्डर वेपन और अन्य सबूत कहाँ है, हत्या में और कौन कौन लोग शामिल है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब ढूंढना है पुलिस को। इस वीडियो में इतना ही। और क्या साबित होता है नार्को टेस्ट से, इसकी जानकारी लेकर भी हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।